सगड़ा में 70 मवेशियों के लंपी स्किन डिजीज की चपेट में आने से घबराए पशुपालक। विभाग द्वारा 800 पशुओं का किया जा चुका है रिंग वैक्सीनेशन। नोहराधार की लाना चेता पंचायत में लंपी वायरस की चपेट में आए 17 मवेशी। वेटनरी सब डिवीजन सगड़ा के 48,000 के करीब मवेशियों को लंपी से बचाने के लिए टीकाकरण कर रहा है विभाग। पशु चिकित्सालय सगड़ा तथा मायना के आसपास के विभिन्न गांवों में अब तक 70 के करीब गाय व भैंसे जैसे मवेशी लंपी चर्म रोग की चपेट में आ चुके हैं। नई तरह की वायरल डिजीज गर्मी व आर्द्रता वाले इलाकों में ज्यादा फैल रही है और सगड़ा सब डिवीजन के वेटनरी हॉस्पिटल नोहराधार के अंतर्गत आने वाले गांव लालचेता में जहां 17 मवेशी इसकी चपेट में आ चुके हैं, वहीं वीओ डॉक्टर वर्मा के अनुसार भराड़ी में भी 4 पशु उपचाराधीन है। जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस की तरह लंपी चर्म रोग भी एक तरह की नई बीमारी है और इसके बचाव के लिए फिलहाल विभाग द्वारा गॉडपॉक्स वाला वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बीमारी आमतौर पर मक्खियों से फैलती है और लंपी की चपेट में आने वाले मवेशियों को विभाग द्वारा आइसोलेट अथवा क्वारंटीन करवाया जा रहा है। पड़ोसी राज्य अथवा मैदानी इलाकों की बजाय हालांकि अब तक यहां लंपी के केसेस काफी कम बताए जा रहे हैं, मगर मूलभूत सुविधाओं, सड़कों व पशु चिकित्सालयों के अभाव के चलते क्षेत्र के पशुपालक इस वायरस से फैलने वाली बीमारी से चिंतित भी है। पशुपालन उपमंडल सगड़ाहा में गाय व भैंस जैसे पशुओं की संख्या 48,000 के करीब है और दूध, घी व पनीर जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स यहां सैकड़ों परिवारों की आमदनी का जरिया है। लंपी रोग की चपेट में आने वाले मवेशियों के शरीर पर गांठे पड़ने के साथ साथ उन्हें तेज बुखार भी होता है और कई पशु FMD की तरह लंगड़ाकर भी चलते देखे जा सकते हैं। इस बीमारी के चपेट में आए कैटल्स को देखकर क्षेत्र के पशुपालक व किसान चिंतित भी है और सरकार व विभाग से जल्द सभी प्रभावित क्षेत्र में वैक्सीनेशन की मांग कर रहे हैं। सब डिविजनल वेटनरी ऑफिसर सगड़ा डॉक्टर अक्षय ने कहा कि विभाग द्वारा सभी प्रभावित क्षेत्रों में रिंग वैक्सीनेशन किया जा रहा है और सगड़ा व मायना पशु चिकित्सालय के आसपास के गाँव में 800 कैटल्स को वैक्सीनेट किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग इस बारे पूरी एहतियात बरत रहा है और पशुपालकों अथवा किसानों को जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है।